बागली को जिला बनाने की मांग विगत कई वर्षों से उठ रही है। कई बार जिला बनाओ समिति के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, रैलियां, विरोध प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। हर बार राजनेताओं द्वारा सिर्फ क्षेत्र की जनता को आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक बागली जिला नहीं मिल पाया है। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, उसी के दौरान एक बार फिर बागली से जिला बनाने की मांग तेज होती दिखाई दे रही है। वर्तमान में जिला बनाओ समिति के नेतृत्व में बागली में थाना चौराहे पर विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चापड़ा पुंजापुरा में सभा को संबोधित करते हुए बागली को जिला बनाने की बात कही थी एवं हाट पिपलिया विधानसभा में 2020 में बागली को जिला बनाने के लिए कहा था कि प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, बागली को जिला बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक बागली जिला नहीं बन पाया है। जिला बनाओ समिति के सदस्य सहित आम जन भी सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंचों से दिए गए भाषण और किए गए वादों के वीडियो वायरल कर उन्हें याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हमने 9 अगस्त से क्रांति दिवस से धरना आंदोलन चालू किया था, जो वर्तमान में अनवरत रूप से चल रहा है। और वैसे तो हम इस जिले की मांग को लेकर लगभग 12-13 साल से यहाँ से लेकर भोपाल तक लड़ाई लड़ चुके हैं। चार बार मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया है और मंच से सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि जिला हम बनाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी रामायण की चौपाई के रूप में भी उद्धृत करते हुए बताया है कि रघुपति की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैलाश जी के जोशी जो हमारे पितृपुरुष हैं, जो एक मालवा की माटी की पहचान है, पूरे प्रदेश में जो संत पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनके सामने भी उन्होंने वादा किया था कि बागली जिला बनेगा। उनके दिवंगत हो जाने के पश्चात भी उन्होंने उनके समाधि स्थल पर भी बोला था कि बागली जिला बनेगा, लेकिन बागली को उन्होंने छोड़ते हुए अन्य जिले, चाहे वो निवाड़ी हो, महूगंज हो या नागदा, उनको जिले बना दिए। जबकि इस बागली ने हमेशा भाजपा सरकार का, जब से जनसंघ है उसके पहले से साथ दे रही है, हमेशा लगातार भाजपा के विधायक दिए, वर्तमान में भी विधायक भाजपा के हैं पहाड़ सिंह जी कन्नौजे, वो भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी हमारे इस मुहिम में साथ रहने का वादा किया और उन्होंने बोला कि मैं तन मन धन से अपने जिले की मांग को भोपाल तक पहुंचाऊंगा और बागली को निश्चित रूप से जिला बनाऊंगा। क्या यदि विधानसभा चुनाव से पहले मांग पूरी नहीं होती तो क्या रूपरेखा रहेगी? चूँकि हमने विधानसभा चुनाव नज़दीक ही है, इसलिए हमने ये प्लान किया है कि यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो अभी तो हम सभी एक स्थान पर बैठकर धरना कर रहे हैं। हम इससे आगे और हमारे जो आगे की योजना है वो विधानसभा बागली जो पूरी विधानसभा है उसमें, भाटीपुरा विधानसभा है, उसमें जाने की हमारे प्लान नहीं। हम गांव-गांव तक पहुंचेंगे और हमारी मांग हर गांव से उठे इस प्रकार का प्रयास करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।